ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। मोल्स हमारा खत्म हो गया था, ठीक है जी। उसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप लोग उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट्स लेके और मुझे भेज दिया करें, व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू गॉट, ठीक है, आई विल असिस्ट यू इन दैट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो एनीवेज, मैंने वैसे जो चैप्टर शुरू करना था वो शुरू करना था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन सम ऑफ माय स्टूडेंट्स दे जस्ट सेड टू मी कि सर कल एसिड बेस सॉल्ट करवा दो, ठीक है, तो इसीलिए मैं एसिड बेस सॉल्ट जो है वो शुरू करवा रहा हूँ। अदरवाइज वैसे मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पहले करवाई थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। So we are going to start with the acid. Acids, bases, and salts. So this is our chapter. ठीक है जी, जो न्यू सेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर वन है जी, इनका नया सेशन है, ठीक है, और बाकी लोगों का जो है वो जिनका चल रहा है उनकी कंटिन्यूटी है। ओके माय डियर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ सम एसिड्स, ओके, एंड देयर नेम्स, so just write it up. The first acid HNO3, इसको हम कहते हैं जी नाइट्रिक एसिड, so this is नाइट्रिक एसिड, okay? The second acid that is H2SO4, this one is called as the sulfuric acid. The third acid that is H2SO3, so this one is called as the sulfurous acid. Then we have got H3PO4, this one is called as the phosphoric acid. Then we have got H3PO3, this one is called as the phosphorus acid. Then we have got H2CO3, this one is called as the carbonic acid. And then we have got CH3COOH, this one is called as the ethanoic acid. इसको हम लोग acetic acid भी कहते हैं. So acetic acid और ethanoic acid, ठीक है जी, so these are these are the two different names of one thing, ठीक है जी। ये मैंने कुछ एसिड्स के नाम यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं आप लोगों के सामने। ये थोड़ी सी जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ सम एसिड्स, आपको इन सारे एसिड्स के नाम जो है वो अच्छे तरीके से बेटे लर्न होने चाहिए। दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, नाउ एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट केयरफुली। अर्ली 1700 की बात है बेटा, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, and they have decided that everyone should bring the definition of the acid after 1 month, yani 1 month ke baad hum log dobara se milenge, aur har banda jo hai wo har scientist jo hai acid ki ek definition jo hai wo bana ke leke aaye, theek hai ji। to agli 1700 mein mere bachcho jo scientist the unhone ek mahine yani एक महीने के बाद जो डेफिनेशन बनाई, ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और वो क्या थी,
उस जमाने में ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है जी। तो उन्होंने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं सबके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उन साइंटिस्ट का बिलीव था कि एनी सब्सटेंस हैविंग ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज द एसिड, ठीक है जी। ये अर्ली 1700 में साइंटिस्ट का बिलीव था, विच वॉज रॉन्ग। जो रॉन्ग था, क्यों रॉन्ग था उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो अर्ली 1700 में साइंटिस्ट बिलीव दैट एनी सब्सटेंस हैविंग ऑक्सीजन इज एसिड, ठीक है जी। ये अर्ली 1700 में जो है वो साइंटिस्ट का जो है वो बिलीव था, उनकी ये प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन थी अर्ली 1700 में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 1800 में जाके मेरे बच्चों, एक नया एसिड जो है वो डिस्कवर हो गया जिसका फॉर्मूला था HCl और इसको हम कहते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। सो दिस वॉज अ न्यू एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर चेक करें देयर इज नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये है कि जनाब 1700 में साइंटिस्ट से फिर गलती हो गई थी कि जनाब उन्होंने रॉन्ग डेफिनेशन बनाई। अब उस वक्त वो जो पुराने साइंटिस्ट थे वो तो मर गए हुए थे जनाब, उनकी जो न्यू जनरेशन थी उन्होंने कहा कि जी हमारे बड़ों से गलती हो गई है, तो जनाब अब कोई बंदा जो है वो नई डेफिनेशन बनाए। उनमें से एक और सियाना बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा यार ये कौन सी बात है, ऑक्सीजन नहीं है तो सबके अंदर देखें जी हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो डेफिनेशन को जरूर चेंज करना है, इसी में लिख देते हैं कि एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन इज एसिड। तो 1800 में मेरे बच्चों एक नई डेफिनेशन जो है वो एसिड की बनाई गई कि एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन दैट इज एसिड, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन भी जो है वो रॉन्ग होती है, क्यों होती है अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। सो इन 1800 साइंटिस्ट बिलीव दैट एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन इज एसिड, ठीक है जी। ये डेफिनेशन थी मेरे बच्चों 1800 में साइंटिस्ट की, बट दिस डेफिनेशन वॉज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग थी। इसको कब रॉन्ग किया गया और ये क्यों रॉन्ग हुई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है जी, उसके बारे में सुन लीजिए। 1900 में जाके इसके अर्ली 1900 में एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, ये जो HCl होती है इट इज एक्चुअली अ गैस, ये गैस होती है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है जी। उस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसने HCl जो गैस है वो ले ली, ठीक है जी, HCl गैस, और उस HCl गैस को उसने डिसॉल्व कर लिया दो डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर, यानी दो बीकर्स ले लिए, एक में उसने पानी डाल दिया, वाटर रख दिया, और एक में उसने जो है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई ऐसा सॉल्वेंट होता है मेरे बच्चों विच कैचेस फायर, जिसको आग लग जाती है, लाइक पेट्रोल ले लें, एल्कोहल ले लें, ऑल दीज थिंग्स दे आर कंबस्टिबल, तो इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं जी। तो HCl को उसने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है जी, और दूसरी तरफ उसने HCl को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व कर लिया जी उसने। ये उसने दो काम किए जी, ठीक है, यानी दो बीकर्स लेके एक बीकर में पानी डाल दिया,
और एक के अंदर उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसको आग लग जाती है, विच कैचेस फायर, ठीक है। और उसने इन दोनों सॉल्यूशंस को मेरे बच्चों चेक किया, ठीक है जी, फॉर द एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहली तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है जी, ठीक है जी, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है जाइकेमिन की एसिड। तीसरी प्रॉपर्टी क्रोजिव होता है, क्रोजिव का मतलब जिस जगह पे लग जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर लग गया तो आपकी स्किन वहां से जो है वो क्रोड हो जाएगी, उतर जाएगी, ठीक है। द फोर्थ थिंग, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, मेटल के साथ रिएक्ट करके दो चीजें बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और फिफ्थ थिंग, किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ भी एसिड रिएक्ट कर जाता है जी, और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है जी। और सिक्स थिंग, किसी भी मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ भी एसिड रिएक्ट कर जाता है, HO का मतलब हाइड्रोक्साइड, और इसके रिजल्ट में भी बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर सेवन पे, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है जी, ठीक है जी। और उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ CO2 बनती है और साथ वाटर बनता है जी, ठीक है। ये कुछ एसिड की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, क्रोसिव होते हैं, एसिड चार चीजों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट। तो इन चार चीजों के साथ मेरे बच्चों एसिड का जो है वो रिएक्शन होता है, और एसिड जब इनसे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो जरूर बनेगा, अगर मेटल होगी तो हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर, मेटल कार्बोनेट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इसको डिटेल में हमने बाद में पढ़ना है, अभी तक हम फंसे हुए हैं एसिड की डेफिनेशन पे। अब जरा दो मिनट के लिए लिखना छोड़ दें और ये चीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब वो बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने HCl गैस को लिया था और उसने उसको डिसॉल्व कर लिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और दूसरा उसको डिसॉल्व कर लिया पानी में। दो डिफरेंट जो है उसने बीकर्स ले लिए, उनके अंदर HCl गैस को जो है वो उसने डिसॉल्व कर लिया, एंड ही चेक्ड दीज टू सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जिसको तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ था, इट डिड नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसने तो एसिड की कोई प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं की, लेकिन जिसमें HCl को पानी में डिसॉल्व किया हुआ था, इट फुलफिल्ड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इसने एसिड्स की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फुलफिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों के एसिड का जो ताल्लुक होता है वो पानी के साथ होता है जी, क्योंकि दोनों जगह पे हमने सेम चीज दी है HCl, एक को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो उसने एसिड की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, एक को पानी में डिसॉल्व किया है तो उसने एसिड की सारी प्रॉपर्टीज शो कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि एसिड का ताल्लुक पानी के साथ होता है मेरे बच्चों। तो एसिड को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ये डेफिनेशन आप लोगों के जहनों में भी रहेगी, ध्यान से सुनने, ये मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं। एसिड दुनिया की हर वो चीज होती है जो अपनी औकात पानी में दिखाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके,
एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करके एक चीज के अंदर 100 हाइड्रोजन मौजूद है, अगर उसको पानी में डालो और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता तो वो कोई एसिड नहीं है। एक चीज में सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है, उसको पानी में डालो वो एच पॉजिटिव आयन अगर प्रोड्यूस कर दे तो मेरे बच्चों वो आपका एसिड है। तो एसिड अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके। तो एसिड की जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, इसकी स्क्रीनशॉट लेने मैं यहाँ पे एसिड की डेफिनेशन लिखता हूँ। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड जो है वो क्या होती है जी, इसकी मैं दो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ और दोनों आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि पेपर में दोनों तरीकों से आती है ये डेफिनेशन ऑफ एसिड। अ सब्सटेंस दैट produces hydrogen ions in its aqueous solution is called acid। ये acid की पहली definition है जी। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लें जी, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन को समझने से पहले मेरे बच्चों मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं हाइड्रोजन के बारे में। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा होता है और इसके साथ ये दो नंबर्स लिखे होते हैं। जो छोटा नंबर इनमें से होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। तो दोनों नंबर सेम है तो किसी एक नंबर को आप लोग कह देते हो प्रोटॉन नंबर और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। यानी अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, एक है। ये बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें तो वो न्यूट्रॉन निकलते हैं, वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो न्यूट्रॉन इस पे जीरो है। और किसी चीज में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों ये आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। अगर हाइड्रोजन में से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ये निकाल दिया जी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव में अगर आप देखें तो सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, ना तो न्यूट्रॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन है। तो H पॉजिटिव को हम लोग प्यार से प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन का मतलब ये नहीं है कि आपने न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकाला है। H पॉजिटिव में होता ही एक प्रोटॉन है और कुछ होता ही नहीं है, तो H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो सिंपल डेफिनेशन होती है कि एसिड जो है अ सब्सटेंस दैट donates protons, protons का मतलब H positive, in its aqueous solution is called acid। ठीक है, तो ये acid की दो definitions हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पिछली मैंने जितनी भी आपको वो definitions बताई हैं वो सारी सिर्फ आप लोगों की बेस बनाने के लिए बताई थी। दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ द एसिड। एसिड दुनिया की हर वो चीज होती है मेरे बच्चों जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करके। हाइड्रोजन आयन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एवरीबॉडी गॉट इट? I'm going to repeat whatever I've said। मैंने आपको बताया था कि अर्ली 1700 में साइंटिस्ट का बिलीव था कि किसी भी चीज में जो ऑक्सीजन हो तो वो चीज एसिड है,
जो कि रॉन्ग हो गई 1800 में जब HCl डिस्कवर हुआ, ठीक है। फिर लोगों ने डेफिनेशन नहीं एक बना दी कि एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन दैट इज एसिड, ठीक है, और वो भी गलत होगी। जब एक साइंटिस्ट ने HCl गैस को पानी में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उन दोनों सॉल्यूशंस को चेक किया फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो जो पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ था इट फुलफिल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ हुआ था उसने एसिड की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो है वो अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है। इसकी दो डेफिनेशन मैंने बताई है, a substance that produces hydrogen ions in its aqueous solution that is called as the acid, aur dusri maine batayi hai a substance that donates proton, acid ko proton donor bhi kehte hain, proton donor H positive donor, theek hai ji, to jo proton donate karte aqueous solution mein pani mein usko bhi hum log acid kehte hain। ab agli cheez jo hum log karne ja rahe hain mere bachcho that is very important, usko zara aap log ab dhyan se sun lijiyega। अच्छा जी, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक सीरीज जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये क्या होती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और सिल्वर, ठीक है जी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसकी तरतीब आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसको याद करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूं, दोनों तरीके सुन लीजिए। पहला तरीका तो ये है कि इन वर्ड्स को ज्वाइन कर लो, बड़ा अजीबो गरीब सा कोई लफ्ज बन जाएगा, लाइक ताना, कमक, एल्जन, फैपक, हक्कू, हबाग, अजीब सा वर्ड बन रहा है, लेकिन आपको इसकी तरतीब याद हो जाएगी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड ज़ेब्रास इन लॉक्ड हाई केजेस मेक श्योर, ठीक है जी। ये एक लाइन याद कर लें, ये प्लीज पोटेशियम से सोडियम, कैट से कैल्शियम, मंकी से मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, जीब्रा से जिंक, इन से आयरन, लॉक से लेड, हाई से हाइड्रोजन, केजिस से कॉपर, मेक से मर्करी एंड शोर से सिल्वर। तो ये इसकी तरकीब आप लोगों को मेरे बच्चों याद होनी चाहिए। अच्छा जी, Now what we are going to do? अब हम लोग ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन ऐसी मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों जिनका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डाइल्यूट एसिड, एंड एक एसिड होता है जिसको कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड, दोनों में क्या फर्क होता है जी। एसिड मैंने आपको पहले बताया मेरे बच्चों अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड में एसिड लेस होता है, लेस एसिड मोर वाटर, जबकि कंसेंट्रेटेड एसिड जो है इसमें मोर एसिड होता है और लेस वाटर होता है, ठीक है जी। तो डाइल्यूट एसिड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड कंटेन मोर अमाउंट ऑफ द एसिड इनसाइड इट, ठीक है जी। ये पहली जो तीन मेटल्स होती हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों बड़ी खतरनाक मेटल हैं जी। ये अगर डाइल्यूट एसिड के अंदर डाल दी जाए मेरे बच्चों तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक धमाका हो जाता है, नाम वायलेंट रिएक्शन होता है। और कीप रिमेंबर केमिस्ट्री में वायलेंट रिएक्शंस कभी भी नहीं करवाए जाते, ठीक है। तो इन अकेली मेटल्स को जो है वो आपने कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करना, ठीक है जी। डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम,
सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है जी, विथ एसिड, एसिड के साथ इनका रिएक्शन कभी नहीं करता हूं। इन मेटल्स के ऑक्साइड ले लें, ठीक है जी, इनके हाइड्रोक्साइड ले लें, या इनके कार्बोनेट्स ले लें, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो है वो कैन रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, अकेली मेटल्स को कभी भी आपने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करवाना, क्योंकि रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है जी, तबाहियां हो जाती हैं। तो कभी भी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को आप लोग डाइल्यूट एसिड में मत डालें जी, ठीक है। इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लगी हो, हाइड्रोक्साइड लगा हो या कार्बोनेट लगा हो, तो उसको मेरे बच्चों आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं जी। इज इट क्लियर? बोल तो दो। यस सर, यस सर। अच्छा जी, मैग्नीशियम से लेके हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जो मेटल्स हैं, इनका अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इनका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है जी, तो इनके सारे रिएक्शन करवा सकते हैं। कॉपर से लेके मर्करी तक इन मेटल्स का अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो देयर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है जी। तो याद रखें कि जितनी भी मेटल्स आपकी हैं, ठीक है जी, इन सब के ऑक्साइड्स, इन सब के हाइड्रोक्साइड्स और इन सब के कार्बोनेट्स, ठीक है जी, कैन रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है जी। तो इन सब मेटल्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पहली तीन अकेली मेटल डाइल्यूट एसिड से वायलेंट रिएक्ट करती हैं, आखिरी तीन जो है कॉपर से सिल्वर तक इनका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होता ही नहीं, मैग्नीशियम से लेकर लेड तक की मेटल्स का अकेली मेटल का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो जाता है और क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, कल के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूं, ठीक है, और कीप रिमेंबर ये काम जिसको आएगा वो समझ लें कि ये रोड वे टू एंटर इन द केमिस्ट्री है, उसके तीन चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे, फॉर्मूला मेकिंग, इक्वेशन मेकिंग, बैलेंसिंग, ऑल दीज थिंग वुड बी फिनिश्ड विद दैट, जो ये लर्न करके आएगा। सिर्फ ये रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स हैं इनकी वैलेंसीज आप लोगों ने याद करके आनी है जी, ये मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, सिर्फ इनकी ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और इनकी वैलेंसीज भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, एसिड्स की मैं लिख रहा हूं H की प्लस वन, NO3 की माइनस वन, H की प्लस वन, SO4 की माइनस टू, H की प्लस वन, SO3 की माइनस टू, H की प्लस वन, PO4 की माइनस थ्री, H की प्लस वन, PO3 की माइनस थ्री, H की प्लस वन, CO3 की माइनस टू, इस पूरी चीज की माइनस वन और H की प्लस वन, H की प्लस वन और Cl की माइनस वन। तो आप लोगों ने सिर्फ ये वैलेंसीज जो है ये लर्न करके आनी है, जो मैंने ऊपर ये प्लस और माइनस में चीजें लिखी हैं, ठीक है, और ये बड़ी कमाल की चीज है, कल आप लोगों को जो है वो इसका फायदा पता चलेगा, और जिसको ये याद होगी बेटा, ठीक है, वो समझ लें तो उसको अगला चैप्टर बहुत आसान लगेगा आगे जो। जी जी, यू आर एक्सक्यूज माय डियर, बोलो सर। फर्स्ट थ्री जो मेटल्स हैं उनका आपने लिखा हुआ है वो कांट रिएक्ट विद एसिड, और सर साइड लेफ्ट साइड मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा है वायलेंट रिएक्शन, वायलेंट का मतलब है धमाका हो जाता है भाई, तो अगर तुम उसको एसिड में डालोगे बंदा ही मर जाए, तो उस रिएक्शन को करने का फायदा बेटा। सर वो जो साइड पे बॉक्स बनाया है KOH K2CO3,
जी जी सर, ये ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स इन मेटल के साथ अगर जुड़े हों तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताया है, अकेली मेटल नहीं कर सकती। अच्छा तो वो कैन लिखा है सर, मुझे कांट लगा। नहीं सर, कैन रिएक्ट विद एसिड, इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड ये भी लिखा हुआ है। तो इन सारी मेटल्स के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है जी।